फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। काफ़ी सारी सब्जियां महंगी है और बिकती भी नहीं है, तो आया हूं मैं शिमला पहाड़ी पार्क में। कितना भयंकर दिख रहा है गाइस। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिमला पहाड़ी पार्क में बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। अभी मैं पहुंच आया हूं शिमला पहाड़ी पार्क में। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हुए। तो गाइस, आज का दिन छुट्टी किया था और सब्जी महंगी की वजह से ही छुट्टी किया था। काफ़ी सारी सब्जियां महंगी है और बिकती भी नहीं है, तो आया हूं मैं शिमला पहाड़ी पार्क में और यहां आप लोगों को दिखाता हूँ। वाह, कितना डरावना दिख रहा है गाइस। और यहाँ पर ऐसे ऐसे मच्छर है कि शरीर पर बैठते बैठते ही काट लेते हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी हैं। इतना भयंकर दिख रहे हैं, अभी सब मेरे पास आ रहे हैं। तो गाइस, शिमला पहाड़ी पार्क में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ पे जो खरगोश है, पक्षी है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए, अभी वो सब बाहर निकले हैं। मज़ा आ जाता है शिमला पहाड़ी पार्क में आने के बाद, काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह सुबह शाम को भी काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी लोग आपसे ब्लॉग बना रहा था तो मेरे सामने ही एक आम टूट के गिरा नीचे। वो देखिए, कितने सारे पक्षी बाहर निकले हैं, आप लोगों को पहले दिखा दूँ। आप लोगों को भी देख के काफ़ी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये देखिए, सारे पक्षी को बाहर निकाला गया है। ये कैसे दिख रहा है मुझे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, और सबसे बड़ा ये है। बाहर निकला था तो कैसा दिख रहा था, और ये सब अंदर आ गए। आवाजें सुनिए गाइस, कैसा लग रहा है। देखिए खरगोश के कितने छोटे छोटे बच्चे, और काफी सारे हैं। और मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने में। काफ़ी खूबसूरत है गाइस। तो गाइस, अब मैं जाता हूँ घर। इसके साथ मैं काफ़ी देर तक खेल लिया और काफ़ी अच्छे से घूम भी लिया। बाहर निकला था तो कितना अच्छा दिख रहा था। अब जाता हूँ घर।